जापान फ्यूचर इनोवेशन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी नई उन्नत तकनीक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश के लोग लगातार कुछ नया खोज रहे हैं, विशेष रूप से वे चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं। यदि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र पकड़ा जाता है तो वो ओल्ड वर्जन के सक्रिय होने पर अपडेटेड वर्जन रखते हैं। यदि वे जानते हैं कि उनका उत्पाद लोगों के लिए स्वीकार्य है तो वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसे लंबे समय तक बाजार में कैसे रखा जाए। परमाणु बम के प्रभावों पर काबू पाने के बाद जापान आज जिस तरह से विकास के शिखर पर पहुंच गया है वो वास्तव में सराहनीय है। वैज्ञानिक खोज और तकनीक के मामले में सभी देशों में शीर्ष पर होने के बावजूद जापान दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में से एक है। जापान दीर्घायु का देश है क्योंकि जापानियों को औसत जीवन नॉर्मल से ज्यादा समय जीने के लिए माना जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जापानी तकनीकों से परिचित कराऊंगा जिन पर आप अपनी आंखों से तो विश्वास कर ही नहीं सकते, और जब आप इन तकनीकों को जान लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जापान दुनिया का सबसे विकसित देश क्यों है। मेरा आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे वीडियो के निचले भाग पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही उसके बगल में दिए गए घंटे के आइकन को दबाएं। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला है डोर गार्ड। हमारे देश भारत में लोग ट्रेन से यात्रा करते समय भीड़ के कारण मर जाते हैं। लोगों के बीच झड़प के कारण कुछ लोग रेलवे लाइन के बीच में आ जाते हैं और वे मर जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जापानियों ने इस दरवाजे का आविष्कार किया। इन फाटकों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिट करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि कोई भी यात्री दुर्घटना में शामिल न हो। ये दरवाजा ऑटोमेटिक है, ट्रेन आने पर ही अपने आप बंद हो जाता है। दूसरा, स्मार्ट चेयर। दोस्तों, आप अपने जीवन में कई कुर्सियों पर बैठे होंगे जो बहुत आरामदायक हो सकती है। आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चेयर भी देखे होंगे जिन्होंने आपको वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कुर्सी देखी है जो ताली बजाते ही आपके पास आ जाए? क्या दोस्तों आपने नहीं देखा तो फिर इस वीडियो पर नजर डालिए ना। ये कुर्सियां जापान में बनी है। ये एक ऑटोमेटिक कुर्सी है, ताली बजाते ही आपके सामने पेश हो जाएगी। आप इस कुर्सी को वाईफाई से जोड़ सकते हैं। ये कुर्सियां बहुत आरामदायक है और इस कुर्सी की खासियत ये है कि जैसे ही आप अपना काम पूरा करेंगे कुर्सियां अपने स्थान पर चली जाएंगी। तीसरा है हाईवे अंडर बिल्डिंग। वो इमारत के नीचे हाईवे सड़क है। आपने जीवन में कई ऊंचे मकान देखे होंगे जो बहुत सुंदर हो सकते हैं। इसके अलावा आपने कई सड़कें भी देखी होंगी जिन्होंने आपको आश्चर्यचकित कर दिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जिससे तेज रफ्तार सड़क गुजरती हो, या एक हाईवे जिस पर ऊपर और नीचे इमारतें बनी हैं? आपको बता दें, ये सड़क जापान में बनी है। एक इमारत को ध्वस्त करने और एक सड़क बनाने की योजना थी, लेकिन इमारत के मालिक ने इसे ध्वस्त करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने इमारत के बीच से एक सड़क बनाने की योजना बनाई। इस तरह उन्होंने जापान के इस इमारत के बीच में से एक सड़क का निर्माण कर दिया। चौथा है स्मार्ट क्लोथ्स, मतलब स्मार्ट कपड़े। दोस्तों, आपने स्मार्टफोन स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्मार्ट कपड़े का इस्तेमाल किया है, या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? शायद आपका जवाब नहीं होगा। आपको बता दें, जापानियों ने एक उन्नत तकनीकी खोज की है जिसका नाम रखा गया है स्मार्ट क्लोथ्स। इस तकनीक से आप अपनी ड्रेस को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने कपड़ों के रंग और डिजाइन दोनों को बदल सकते हैं। जापानी किसी पार्टी में जाने के लिए नए कपड़े नहीं खरीदते, बल्कि वे इस गैजेट का उपयोग करते हैं। ये गैजेट महिलाओं के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि ये गैजेट तब आपके लिए उपयुक्त है जब आपका बजट कम हो, लेकिन आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं। नंबर 5 पर है प्लास्टिक वेंडिंग मशीन। दोस्तों, ना केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के हर देश में लोग प्लास्टिक प्रदूषण से चिंतित है। कुछ लोग इस मुद्दे पर केवल बड़े भाषण देते हैं और कुछ लोग इस प्रदूषण को रोकने के तरीके लेकर आते हैं। जापान ने तकनीक के मामले में पहली प्लास्टिक वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया। छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलों को मशीन में डालते हैं, मशीन के अंदर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और बोतल दाता को भुगतान भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन 5 जापानी खोजों में से आपको कौन सी पसंद है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।